भाईजान की एंट्री और बवाल ना मचे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की, जिसे 5 आवर्स में 20 मिलियन लोग देख चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप भी देख चुके होंगे। बता दूं, पहले टाइगर का मैसेज आया था और अब ट्रेलर जो तबाही मचा रहा है। अरे तबाही से याद आया, इस साल की शुरुआत SRK ने की थी अपनी कमबैक फिल्म पठान के साथ, जो बॉलीवुड की डूबती नैया को बचाया था, जिसके बाद मानो बॉलीवुड में पैसों की बारिश होने लगी। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवी आती जा रही है, रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं। लेकिन अब बारी है टाइगर 3 की, जो एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है का 3rd पार्ट है और 6 साल बाद स्पाई यूनिवर्स की 5th फिल्म के रूप में बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ने को तैयार है, जिसमें आपको सलमान खान के साथ नजर आने वाली हैं कैटरीना कैफ, जो एक अलग ही अंदाज में फाइट करते हुए नजर आ रही हैं, जिसे आप कपड़ा खोल फाइट भी बोल सकते हैं। भाई इस पे तो बवाल मचने वाला है सोशल मीडिया पर, एकदम हंगामा होने वाला है। लेकिन देखना यह है कि फिल्म में कैसे ये लोग प्रस्तुत करते हैं। और अब बारी आती है मेन विलेन की, जहां इमरान हाशमी देखने को मिल रहे हैं, वो भी एक अलग ही अवतार में, जो सिर्फ 5 सेकंड के लिए ट्रेलर में दिखे हैं। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। और इन 5 सेकंड में 5 का दम दिखा गया है। दोस्तों मेरा मानना है कि किसी भी फिल्म में जितना हीरो इंपॉर्टेंट होता है, उससे कहीं ज्यादा विलेन की कास्टिंग मायने रखती है, और यहाँ ठीक वैसा ही हुआ है। तो इस बार की कहानी देश के ऊपर कम और पर्सनल ज्यादा है, जहां दिखाया गया है कि कैसे एक रॉ एजेंट को देशद्रोही साबित कर उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जाता है, जहां उसे अपने देश या अपने फैमिली में से किसी एक को चुनना है। और तभी सलमान खान को हेल्प की जरूरत पड़ती है और वो कॉल करते हैं किसे, मिस्टर SRK को। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर SRK को, जहां प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि शाहरुख खान की एंट्री होगी 10 से 20 मिनट के लिए, और वो टाइम पर आपको एक्शन का अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डायरेक्टर की, जिनका नाम है मनीष शर्मा, जिन्होंने बैंड बाजा बारात, शुद्ध देसी रोमांस और फैन जैसी फिल्में बनाई हैं। दोस्तों बता दूं, ये फिल्म 12 नवंबर यानी दीपावली के दिन आपको थिएटर में देखने को मिल जाएगी, जो ना तो फ्राइडे है और ना ही सैटरडे, ये है संडे, वो भी दीपावली का दिन, जहां सब लोग अपने काम धंधे में बिजी रहेंगे, वहीं थिएटर में बवाल मचा रही होगी ये फिल्म। लेकिन कहीं ये पासा उल्टा ना पड़ जाए, पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो सलमान खान है। दोस्तों टाइगर 3 का ट्रेलर मेरे लिए परफेक्ट मास मीडिया है, जिसमें सब कुछ मिलेगा, एक्शन, ब्रेन गेम, रॉ एजेंट, फैमिली ड्रामा और एक साइको विलेन, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाली है और ब्लॉकबस्टर भी होने वाली है। बाकी आप बताओ कमेंट करके आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे हौसले को बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।